माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ से आपको पेमेंट रिसीव हुई होगी सर। रिसीव हुई होगी, ठीक हो गया। जब आप किसी को पेमेंट सेंड करते हो, कोई भी सेंड चीज करते हो, आप भाइयों मैंने मैं ऐसे आपसे बात कर रहा हूँ अब, क्योंकि आपको समझ आ रही है मुझे, आप जरा अच्छे घराने से अच्छी करियर के बंदे लगते हो, अच्छे हालात के बंदे लग रहे हो, मैं इसे आपसे डिटेल से बात कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें ना एक बात कही थी, मैं जब भी किसी को पेमेंट सेंड करूँ, मैं खुद सब जब सेंड करूँ तो मुझे ना एक वाउचर भेज देते हैं। मैं अगर किसी आपने मुझे वो पेमेंट सेंड की है तो आप मुझे सेंड कर दें उसका वाउचर, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब वो मेरे अकाउंट में आए या ना आए, मैं जानूं या किसी पैसा वाले जाने या कैश कैश वाले जाने, ठीक हो गया ना। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम जी। जी तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है इंशाल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, वीडियो को स्किप कहीं से नहीं करना, वीडियो को पूरी लाजमी देखिएगा। दोस्तों इजी लोन वालों का एक नया तरीकाकार इन्होंने ईजाद कर लिया लोगों के साथ फ्रॉड करने का, स्कैम करने का। जो भी दोस्त अहबाब बहन भाई पहले इनसे लोन ले चुके हैं ऑलरेडी, तो जिन्होंने अपनी फाइल क्लियर करवा ली है उनके साथ इन्होंने ये ट्रेंड चलाया है, ये धोखे का नया निज़ाम चलाया है। वकास भाई हैं फैसलाबाद से, जिनकी ऑलरेडी वीडियो मैं लगा चुका हूँ, आपने उनकी वीडियो देखी भी है दोस्तों। तो वकास भाई के साथ इन लोगों ने इस तरीके से धोखा किया है कि 3 सितंबर इसी महीने की जो 3 तारीख गुजरी है, कहते हैं जी इसी लोन वाले कि हमने आपके अकाउंट में 27,000 रुपया आपने लोन लिया है, 21,000 रुपया हमने आपके अकाउंट में जमा करवा दिया है, जबकि उनके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आया। आज इंशाल्लाह ताला बात करेंगे, मुकम्मल सबूत के साथ करेंगे, हर प्रूफ के साथ करूंगा मैं और आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से ये दो नंबरी कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ। इंशाल्लाह ताला इनको लगाम डाल के फिर हमने पीछे हटना है, जब तक ये अपनी इस दो नंबरी से बाज नहीं आ जाते इंशाल्लाह ताला हमसे ये बच नहीं पाएंगे। मैं दिल से सलूट पेश करता हूँ अकील नोमी भाई को, MDG नॉलेज चैनल को, और भी काफ़ी भाई हैं, साकी अवान भाई हैं जो इनके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उनको मैं दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है और दिन रात की अपनी अनथक मेहनत के साथ इनको एक्सपोज करने में हम कामयाब हो रहे हैं। तो दोस्तों आज इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल प्रूफ दूंगा, सबूत दूंगा किस तरीके से ये लोग किसी के भी अकाउंट में 1 रुपया भी ऐड नहीं करते और लोगों से धोखा करते हैं कि जी पैसे जमा करवाओ, हम रेफरेंस पे कॉल्स करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि पैसे इन्होंने 1 रुपया भी अकाउंट में ऐड नहीं किया। मैं आज इंशाल्लाह ताला जिस तरह से वकास भाई को इन्होंने तकरीबन 10 दिन से मुख्तलिफ नुमाइंदों ने, इजी लोन वालों के नुमाइंदों ने वकास भाई का जीना हराम किया हुआ था, कोई गालियाँ दे रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब मेरे साथ वकास भाई ने बात की तो मैंने वकास भाई को कहा यार आप इनसे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मंगवाओ, जो पैसे इन्होंने आपके अकाउंट में ऐड किए हैं, तो सारी बात उन्होंने ऐड किए हो तो उनके पास कोई हिस्ट्री हो, जब उन्होंने पैसे ऐड ही नहीं किए तो उनके पास हिस्ट्री कैसी होगी। तो उसके बाद दोस्तों जब उन्होंने उनसे बात की, उनसे कहा कि जनाब आप अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हमें भेजें, अगर आपने 21,000 रुपये 3 तारीख को भेजा है, तो उन्होंने तो करवाया ही नहीं था, वो आगे से कहने लगे जनाब आप ऐसा करें आप हमें अपनी हिस्ट्री बना के भेजें इसी पैसा की 3 तारीख की। तो जब उन्होंने अपनी 3 तारीख की हिस्ट्री बनाई, बना के उन्होंने इनको व्हाट्सएप की, इजी लोन वालों को एजेंट को जब व्हाट्सएप की उन्होंने, तो उसने देखा, देखने के बाद वो और ज़्यादा हाइपर हो गया, जनाब ये तो फेक है, ये दो नंबर है, ऐसा है वैसा है। ये अकेले वकास भाई के साथ नहीं हुआ, ये और भी काफ़ी भाई हैं जिनके साथ इन्होंने यही सीन दोहराया, यही सीन किया कि पैसे जमा दिए नहीं लोन के और उनको रेफरेंस पे कॉलें करनी शुरू कर दी, उनको थ्रेट करना शुरू कर दिया जनाब आपने लोन लिया हमें लोन रीपेड करें। तो जब वकास भाई ने सारी बात मेरे साथ की, मैंने वकास भाई को मशवरा दिया, मैंने वकास भाई आप इनको जो है ना भेजें, अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनाएं, बना के इनको सेंड करें। जब उन्होंने सेंड किया आगे से फिर ये जान नहीं छोड़ने के लिए तैयार। तो दोस्तों हम सब ने मिल के इनसे जान छुड़वानी है तो इन्होंने बाज आना है। जब तक हम डट नहीं जाते, जब तक हम खड़े नहीं हो जाते एक पी एच पे, शायद ये लोग हमें हमारी जान नहीं छोड़ने वाले। तो खुदारा आप सबसे रिक्वेस्ट है आज उकाड़ा में 22 सितंबर का जो एहतजाज है उसको कामयाब बनाएं। प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने इन लोन ऐप्स के मुतल्लिक उकाड़ा में एहतजाज कर रहे हैं चौधरी इमरान साहब, उनके एहतजाज को कामयाब बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भाई उनके जलसे में, उनके एहतजाज में शरीक हों ताकि जलसे को, एहतजाज को कामयाब बनाया जा सके।
اس کے بعد دوستوں آج انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے یہ ہمارے بہن بھائیوں کو ٹارچر کر رہے ہیں لون دیے بغیر، انشاءاللہ وہ بھی ایکسپوز کروں گا. ساری گفتگو آپ نے وکاس بھائی کی جو ایجنٹ کے ساتھ ہوئی ہے وہ بھی گفتگو ساری سننی ہے، اور جو تین تاریخ کی وکاس بھائی کی ٹرانزیکشن ہسٹری ہے ایزی پیسے کی، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. وہ بھی آپ نے چیک کرنی ہے کہ ایک بندے نے ایک روپیہ لیا بھی نہیں اور یہ لوگ کس طریقے سے تھریڈ کر رہے ہیں، کس طریقے سے پریشان کر رہے ہیں. پھر اگلا بندہ کسٹمر، کوئی بھی بندہ ان کو گالیاں دے یا برا بلا ان کو کہے تو یہ اس کے ساتھ آگے سے زیادہ، اس سے زیادہ دو نمبری کرتے ہیں، زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں، بےہودگی کرتے ہیں. تو لہٰذا دوستوں ان شاء اللہ تعالیٰ آج 22 تاریخ ہے، 25 تک ان شاء اللہ تعالیٰ میں کال بھی دے دوں گا آپ سب کو نکلنے کی، تو آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس سود کی جنگ میں. دوستوں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے بہن بھائیوں، یار دوست، احباب کو بھی ساتھ لے کے آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ احتجاج ہم ریکارڈ کروا سکیں، زیادہ سے زیادہ بہن بھائیوں کو ایک پیج پہ اکٹھا کر سکیں. تو آئیے چلتے ہیں موبائل سکرین پہ، پہلے آپ کو ریکارڈنگ سناتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پروف دکھاتے ہیں کہ وکاس بھائی نے ایک روپیہ بھی نہیں لیا تو کس طریقے سے یہ ان کو تھریڈ کر رہے ہیں، کس طریقے سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آئیے چلتے ہیں موبائل سکرین پہ، پہلے ان کی جو اوقات ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دوستوں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے پوری ویڈیو کو کہیں سے اسکپ نہیں کرنا. ان کی جو دو نمبری ہے اسکیمنگ کا نیا طریقہ کار ہے، وہ انشاءاللہ اسی آڈیو میں ایکسپوز بھی ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. ڈٹ جانا دوستوں، کسی کو ناجائز ایک روپیہ نہیں دینا. جب کسی سے لیا کچھ نہیں تو کسی کو دینا بھی کچھ نہیں. آئیے ریکارڈنگ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد آپ نے سارا فیصلہ کر لینا خود ہی. بھائی میرا نام غزنفر ہے. غزنفر صاحب ہے جی، مجھے کل بھی آپ کی کالیں بہت آ رہی تھی. میں نے ایک بات کی تھی، میڈم نے بھی بات کی، ایک بھائی نے بھی بات کی، پھر ایک بھائی نے بات کی، پھر اس نے بات کی، پھر ایک بھائی نے بات کی، پھر اس کے بعد ایک بھائی نے بات کی. بڑی بدتمیزی سے میرے ساتھ بولتے رہے ہیں. میں نے انہیں ایک بات کہی تھی، میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ میرا بھائی کتنے پیسے ہیں آپ کے مطابق، کتنے پیسے ہیں میری طرف جو آپ کو لون دیا گیا؟ ہاں جی بھائی، میں آپ کو بتا دے دیکھیے میرے بھائی، جو آپ نے لون اپنا، معذرت چاہتا ہوں دوستوں کچھ میسج آ رہے تھے اس لیے سائلنٹ کر لیا موبائل کو. اب جو فائنل کی اماؤنٹ آپ کی پہنچ گئی ہے 35,000. کتنا؟ 35,000. چلو کل مجھے، کل تک وہ 35,000 تھا، آج 35,000 ہو گیا. اوپر آ گئی؟ نہیں نہیں، آپ اپلیکیشن اوپن کر دیتے ہیں. کل 35 نہیں، میں بول رہا 35 بول رہا ہوں، 35,000. جی اچھا، 33 ہو رہا ہے. اچھا کل 35-32 کا، آج 33 ہو گیا. 27,000 روپے کا آپ نے لون اپلائی کیا ہے، 5,00,000 کی آپ کی اماؤنٹ جو ہوگی ہے وہ 37,000. اچھا جی بھائی، میں نے اسے ایک بات کہی تھی پر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک اٹھے گا. اچھا میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ مجھے لون کوئی نہیں ملا، نہ ہی میں نے لیا. اور سیکنڈ میں نے وعدے کی تھی کہ یار آپ نے کیسے مجھے سینڈ کیا، کس ذریعے سے مجھے سینڈ کیا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے سینڈ کی ہے، کسی بینک سے سینڈ کی ہے، کسی پیسہ مائکرو فائنانس بینک کی طرف سے آپ کو پیمنٹ ریسیو ہوئی ہوگی. سر ریسیو ہوئی ہوگی، ٹھیک ہو گیا. جب آپ کسی کو پیمنٹ سینڈ کرتے ہو، کوئی بھی سینڈ چیز کرتے ہو، آپ بھائی ہو، میں ایسے آپ سے بات کر رہا ہوں اب کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے مجھے، آپ ذرا نا اچھے گھرانے سے، اچھی طبیعت کے بندے لگتے ہیں، اچھے اخلاق کے بندے لگتے ہیں، میں اسے آپ سے ڈیٹیل سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے انہیں نا ایک بات کہی تھی، میں جب بھی کسی کو پیمنٹ سینڈ کروں، میں خود سب جب سینڈ کروں تو مجھے نا ایک واؤچر بھیج دیتے ہیں. میں اگر کسی بینک میں جاتا ہوں کسی کو پیمنٹ کرنے کے لیے،
आपको पता ही है मैं स्लिप भरता हूँ, ठीक है दोस्तों, पॉइंट भी नोटेड, जरा गौर फरमाइए, सेंड कर देता हूँ, वो मुझे उसकी वेरिफिकेशन करके तो मुझे दे देते हैं जी, स्लिप ले जाओ अपने घर, ठीक हो गया। एक तरीका तो ये होता है, ठीक है। दूसरा तरीका जो ऑनलाइन है, आप कहते हो जी मैंने ऑनलाइन किया, जब आप ऑनलाइन किसी को पेमेंट करते हो, बेशक वो वाया बैंक थ्रू हो, वाया इजी पैसा हो, वाया जैस कैश हो, वाया मोबी कैश हो, टेलीनार कैश हो, जो भी हो, तो उसकी आपको एक डिटेल भेजी जाती है कि हमने फलां फलां बंदे को इतनी पेमेंट कर दी है और ये वाला हमारा अकाउंट है, यहाँ से हमने यहाँ ट्रांसफर कर दी है, ऐसी बात ही होती है ना सर। मेरी तो बात सुने पहले, मेरी बात सुन, अच्छा उसके बाद में आपकी भी सुनूंगा। आपको एक ट्रांसफर लिस्ट देख जाती है कि भाई मैंने हमने ये लिस्ट कर दी है, अपना ये पेमेंट सेंड कर दी हुई है, तो अब ये सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो गया, ऐसे ही होता है ना जी? जी ऐसे ही होता है। मैंने उन्हें ये कहा था कि मेरा भाई, उन्होंने मुझे कहा जी बड़ी बहस हुई है, 3 तारीख को इतने आए तो 4 तारीख को आए, 5 तारीख को आए, ये हो गया। मैं यार मैं तुम्हारी सारी बात मान लेता हूँ, अगर आपने मुझे वो पेमेंट सेंड किया है तो आप मुझे सेंड कर दें उसका वाउचर, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब वो मेरे अकाउंट में आए या ना आए, मैं जानू या इजी पैसा वाले जाने या कैश कैश वाले जाने, ठीक हो गया ना? अब मेरी, अब मेरी बात सुनो ना, थोड़ी थोड़ी सी बात सुनता है। चलो आप बताए भाई, देखिए आप एक बंदे नहीं है, हजारों बंदे जो है ना वो अप्लाई करते हैं और कोई भी वोचर वगैरह इस तरह का कोई मैसेज नहीं बन जाता, सिर्फ मैसेज जाता है, ठीक है 37 से कि ये सरमाया की तरफ से ही आपको पेमेंट रिसीव हो गया, ठीक है। एक आपको वो मैसेज जाता है, सही है। दूसरा आपको जो जो जिस एप्लीकेशन से किसी भी एप्लीकेशन ये भी बोल रहा है किसी से भी आप अप्लाई करते हो ना, ठीक है, फौरन एक मैसेज आता है भाई ये 7 दिन बाद, ये 9 दिन बाद, जितना उनका टाइम होता है, ये 1 दिन बाद आपको वापस करने होता है और ये पेमेंट आपको मिल गई, ठीक है। और इसी पैसा वालों की तरफ से भी आपको मैसेज आ जाता है 37 की तरफ से, भाई इतने अकाउंट में आपकी पेमेंट आ गई और इधर से आई है। अगर आप मेरे भाई बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं मिली, इसकी आसान या कोई इसमें मुश्किल नहीं, मैं भी आप बोल रहे हैं कि पहले बहुत मतलब कि आपकी बहस कल होती रही है, सही है, मैं बहस वो नहीं करना चाहता। आप बस अगर आप इसमें क्या बात है, आप अपने चेक करें, पैसा चेक करें, ठीक है, सेंड नहीं करना, सेंड नहीं करना, आप खुद जाके उधर चेक करो, ओपन करो, ठीक है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाओ, ट्रांजेक्शन जितनी पेमेंट आए होती है या आपने की होती है वो सारी हिस्ट्री आ जाती है, अच्छा, ठीक है। 3 तारीख को आप चेक कर लो, सही है, आपको पेमेंट उधर मिली हुई है, आप देख लो, फिर मुझे सर बता दें जी। तो दोस्तों जिस 3 तारीख की ये बात कर रहे हैं वो भी इधर ही चेक करवा देता हूँ आपको। जैसा कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये 3 तारीख की हिस्ट्री है, ये 2 सितंबर की है, इससे ऊपर ये 3 तारीख की है हिस्ट्री, ये जस्ट 2 पेमेंट्स अपना विकास भाई को रिसीव हुई हैं, एक लोन पेमेंट है 5400 की, एक कैश इन है 10804 रुपये की, ठीक है जी। जबकि इन्होंने 21000 रुपये ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कहीं पे नज़र आ रहा है 21000 की ट्रांजेक्शन, तो आगे फैसला आपने खुद करना है किस तरीके से ये किस हद तक स्कैम कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ। आइए आगे मुलाजा फरमाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप पहले कंफर्म कर लो आपको पेमेंट मिली, मैं कोई आपको मैं बोलता हूँ कि शायद आप सही होंगे क्योंकि आप इतनी बात कर के पीछे आए हैं, आप बता रहे हैं, ठीक है। मैं हमारे कागजों में आपको पेमेंट मिली हुई है और मैं आपको चेक करके मुझे बता दे, मैं आपको कुछ बताऊँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरा भाई कि मुझे पेमेंट कोई नहीं मिली। आप फिर वो चेक कर रहे हैं, आप चेक करके एक दफा देखें। मैं तो यार मैं पता नहीं कितने दिनों से यही इसी रफड़ में पड़ा हुआ हूँ, मुझे रोज आपकी कॉलें आती हैं, कल 2-3 दफा कॉलें सर, आपको दोबारा कॉल नहीं है, अगर आपको पेमेंट नहीं मिली ना आप फिर वो देख, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि मुझे पेमेंट नहीं मिली, मुझे पेमेंट नहीं आई, नहीं है ना, तो आप भी तो बोल ही रहे हो ना आप, हाँ हम तो बोल रहे हैं ना, आप अपना हम सबूत दे रहे ना, आपको कैसा सबूत दे रहे, जो सबूत मुझे उधर लिखा होगा, नहीं आप मुझे बोल के सबूत दे रहे हो, मैं भी तो आपके बोल के सबूत दे रहा हूँ, जो मुझे नहीं पेमेंट मिली, आप बोल रहे हैं, आप अगर बोल ही रहे हैं तो मैं आपके कैसे मान लूंगा आपने मुझे की है पेमेंट,
भाई हम फिर पागल तो नहीं है, बंदे आपको दोबारा दोबारा यही बात मेरी ना कल भी हुई थी आपसे, उसने कहा जी मुझे कि आप मैं पागल तो नहीं हूँ, मैंने कहा फिर आप पागल ही हो, उसने कहा जी फिर आप पागल हो, मैं फिर मैं भी पागल ही जो आपसे मैं बहस कर रहा हूँ यार भाई, तो हम आपको यही ओपन करो ना तो मैं चलिए भाई मैं आपको ना बताता हूँ ना, मैं ये स्लिप देख लूँ मैं फिर आपको बता दूँ। जी दोस्तों ये सारा इनका जो काम है वो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है आपने सुना भी है देखा भी है, ये देखिए काफ़ी दिनों से ये तंग कर रहे थे, जब पैसे लिए नहीं थे तो विकास भाई बड़े परेशान थे, तो आज विकास भाई ने भी मुझे बड़े खुशी में मैसेज किया है कि भाई ये मान गए हैं कि 3 तारीख को पेमेंट किया और मेरे पास तो हिस्ट्री है, मैंने जो है इनसे पेमेंट ली नहीं तो अभी इनका क्या करना है, मैंने फिर विकास भाई को बोला इनको एक्सपोज करना है, तो आप सबके सामने है प्रूफ सबूत सारे आपने देख लिए हैं दोस्तों, अगर किसी भी भाई के पास इनके खिलाफ कोई भी थ्रेड मैसेजेस हो, आपको लोन दिए बगैर ये रीपेमेंट मांगते हो, पैसे मांगते हो, आपको थ्रेड करते हो, किसी भी तरह से परेशान करते हो, अब मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज़ को बुलंद से बुलंद सतह तक पहुँचाएंगे और जितना हो सके इंशाल्लाह आपका साथ देंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट है खुदा के लिए सभी दोस्त इस सूद की जंग में हमारा साथ दें, जितना हो सके हमारे साथ खड़े हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, वीडियोस को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो बहन भाई घर में बैठे हैं जिनको अवेयर नहीं है किस तरीके से इनसे बात करनी है, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके और वो अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है उसको बहाल कर सकें, डिप्रेशन से बाहर आ सकें। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों से प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसी के साथ मंजर शाह को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मंजर व्लॉग्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।